वेलकम टू स्टेप अप आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 6 अगस्त 2018। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल मुजफ्फरपुर सेल्टर स्कैंडल के बारे में है, जहाँ पर सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम के एक एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे महिला आश्रय गृह में, जहाँ पर ऐसी बच्चियों को रखा जाता था जिनको मदद की आवश्यकता होती थी, उनमें 34 बच्चियों के साथ रेप की बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे सामने आई। ये न केवल बिहार के लिए बल्कि समस्त भारतीय समाज के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसी घटनाएं आज घटित हो रही हैं और हमारी अथॉरिटीज़ इन चीज़ों को ट्रैक करने में अभी भी असफल हैं। ये आर्टिकल क्रिटिसाइज़ करता है बिहार सरकार के अप्रोच को। यही सारी बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। ये आर्टिकल मानसून और फार्मर्स के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंडिया, ईरान और यूएसए के इशू पर चर्चा करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का फिलॉसफी ऑप्शनल है तो वो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लें। इस पेज पर ये आर्टिकल जीएम क्रॉप्स के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बातें ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में है। आप इस प्रोग्राम के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करेंगे। इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी करवाया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहे हैं। आइए देखते हैं निबंध यानी कि ऐसे राइटिंग में आज हमारे पास क्या है। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, आइंस्टीन जी ने ये कहा था। मतलब आपके पास नॉलेज हो, ये ज़रूरी हो सकता है ना हो, बट इमेजिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कोई इनोवेशन नहीं कर सकते। बिना इमेजिनेशन के कोई इनोवेशन हो ही नहीं सकता, इसीलिए कंपैरेटिवली इमेजिनेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया आइंस्टीन जी के द्वारा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बाबर अली का, जो कि एक इंडियन स्टूडेंट थे। इन्होंने बाद में ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया अपने ही घर के बैकयार्ड में। ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से हैं। इन्हें यंगेस्ट हेडमास्टर माना जाता है दुनिया का। बीबीसी ने इनके बारे में एक रिपोर्टिंग करी थी 2009 में, जबकि ये महज 16 ईयर्स यानी 16 साल के थे। शुरू में इन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों को अपनी स्कूल टाइम के बाद पढ़ाना शुरू किया अपने घर के ही बैकयार्ड में। बाद में और भी कई सारे लोगों ने वॉलंटियरली इनको ज्वाइन कर लिया और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने मदद दी, एजुकेशन दी, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपके पास अगर हों तो आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आइए देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी एंड अनलवली ट्रायंगल। पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। इंडिया के लिए काफ़ी डिलेमा वाली सिचुएशन इस समय आ चुकी है। व्हाट शुड इंडिया डू? ईरान इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज बन चुका है, क्योंकि यूएसए लगातार इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि इंडिया अपने रिलेशंस को कट करे ईरान के साथ। स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए इन्हीं सारी बातों को हम इस आर्टिकल में एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आयरोनिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स इरेटिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ मेड इट ईजी फॉर इंडिया टू रिस्पॉन्ड। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और ये काफ़ी ईजी और क्लियर भी होता जा रहा है। अभी जो उनकी लेटेस्ट डिमांड है कि इंडिया को जो भी ईरानियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है उसको ज़ीरो पे लेके आना है इस साल के नवंबर तक। मतलब हम कोई भी क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट ईरान से नहीं करेंगे, ऐसा यूएसए चाहता है हमसे। देखिए, उन्होंने जेसीपोवा से अपने आप को पीछे खींच लिया है, जो कि एक ज्वाइंट एग्रीमेंट था जिसे जुलाई 2014 में साइन किया गया था जर्मनी, यूके, चाइना, यूएस, रसिया, फ्रांस और ईरान के बीच में। ईयू भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसके बाद ईरान ने ये वादा किया था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्थगित कर देंगे और जो सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए थे 2015 में, उन सैंक्शंस को भी हटा लिया गया, ठीक है। देखिए, ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए। इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है ईरान में, जिसके बाद इंडिया के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा एक्सेस करना मिडिल एशिया को। हम बिना पाकिस्तान से गुजरे ईरान के ज़रिए मिडिल एशिया तक पहुंच सकेंगे, अफगानिस्तान तक पहुंच सकेंगे। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ईरान स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। व्हेन कंप्लीटेड इट विल ऑफर इंडिया ओवरलैंड एक्सेस टू सेंट्रल एशियन मार्केट, ये बात हमने कर ली। ऑन द अदर हैंड, अमेरिका इज़ द माइटियर इकोनॉमी एंड इंडियाज परमानेंट इंटरेस्ट वुड बी मोर सीवियरली इम्पैक्ट। ईरान का इंडिया के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट होने के बावजूद यूएसए चाहता है कि हम ईरान के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर लें। यूएसए को नाराज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है और अगर, जैसा कि उनके पास एक टूल है, अगर कोई भी व्यक्ति यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, जैसा कि वो एलिज करते हैं कि उनका इंटरेस्ट है, तो वो जो यूएस का लॉ है काक्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, अगर इंडिया यूएसए के द्वारा कही गई बात को नहीं मानता है
और ईरान के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म नहीं करता है तो यूएसए काक्सा एक्ट के तहत इंडिया की कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर देगा। और अगर इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए गए तो इंडिया की इकोनॉमी को काफी नुकसान होने की संभावना है। इस लिहाज से इंडिया बहुत ही एक टाइट रोप पर आ चुका है। एक तरफ तो हमारी जो अनइंटरप्टेड ऑयल की सप्लाई है वो स्टेक पर है जो ईरान हमें देता है, दूसरी तरफ डिफेंस, ट्रेड, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के संबंध में अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन स्टेक पर हैं। इस लिहाज से देखिए, अगर ऐसा होता है, ट्रंप्स डिमांड इज़ नॉट ग्राउंडेड इन लॉ। देखिए, इसके पहले 2014 के पहले जब यूएसए ने सैंक्शंस ईरान के ऊपर इम्पोज किए थे तो हमने उन सैंक्शंस को फॉलो किया था। उसके दो महत्वपूर्ण कारण थे, बिकॉज एक तो एक सॉलिड ग्राउंड था कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट भी था यूएसए के साथ। इस बार दोनों चीज़ों की कमी है। ट्रंप की जो डिमांड है लॉ उसके हिसाब से ग्राउंडेड नहीं है, मतलब ये क्लियर नहीं है कि ईरान एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, या जैसा वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने जेसीपीओए को वायलेट किया है, वो उसके प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं कर पाए हैं, ये भी क्लियर नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट भी नहीं है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, वो लगातार यूएसए के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूं तो इंडिया जो है वो यूएस प्रेसिडेंट का जो क्लेम है, जो उन्होंने इंडिया को एक ऑर्डर जैसा दे रखा है कि हाँ हमें अपने रिलेशंस को ख़त्म करने हैं ईरान के साथ, नहीं तो वो हमारे ऊपर सैंक्शंस इम्पोज करेंगे। इंडिया इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकता, इनफैक्ट आर्टिकल कहता है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस अभी बने हुए हैं, जो परिस्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, इस स्थिति में आर्टिकल ऐसा चाहता है कि इंडिया यूएस के साथ कंप्लाई ना करे। वी आर आफ्टर ऑल अ सॉवरेन नेशन। हाँ, हमें इकोनॉमिक नुकसान ज़रूर होगा अगर यूएसए सैंक्शंस इम्पोज करता है तो, बट इसके अलावा यूएसए कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात कि अगर हम यूएसए के दबाव में आकर ईरान के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म करते हैं तो इंडिया को अनप्रिंसिपल्ड कहा जाएगा और इस आधार पर इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाएगा कि आपका तो कोई प्रिंसिपल है नहीं, आपको तो कोई भी प्रेशराइज करके अपनी बात मनवा सकता है। और फिर इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन ये भी आ जाएगा कि इंडिया एक फेयर वेदर अलाई है, मतलब इंडिया उस देश के साथ तभी रिलेशन रखता है जब उसकी स्थिति अच्छी हो, जब वो संकट में आता है तो इंडिया उसका साथ छोड़ देता है। तो क्या इंडिया ऐसे एलिगेशंस अपने ऊपर ले पाएगा? अगर आप ऑयल सप्लाई के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। इंडिया अपनी सप्लाई को डाइवर्ट कर सकता है ईरान से, जैसे कि हम सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, वहाँ से भी ऑयल की सप्लाई ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ हमें कुछ टाइटियर कमर्शियल टर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ईरान अभी हमें 90 से 120 दिन का क्रेडिट देता है। इसका मतलब यह है कि अगर इंडियन कंपनीज ने ईरान से तेल मंगा लिया तो आप 3 महीने से 4 महीने के बाद तक पैसे पे कर सकते हो, तुरंत पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि बाकी देश महज 30 दिन का क्रेडिट देते हैं, मतलब कि आपने तेल मंगाया है तो आपको 1 महीने के अंदर पैसे पे करने होंगे। फ्रेट रेट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज ईरान के जो टैंकर कंपनीज़ हैं वो इंडिया को कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, हो सकता है बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो डिस्काउंट इंडिया को नहीं देंगे। फाइनेंशियली थोड़ा नुकसान होगा, बट स्टिल हमारे पास ऑप्शन है, मतलब हम ईरान को इग्नोर कर सकते हैं, हम ईरान के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। मुद्दा यह है, क्या इंडिया को करना चाहिए? बड़ी चिंता की बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप रिलेशन ख़त्म कर लोगे, बड़ी चिंता की बात यह है कि हो सकता है कि ईरान, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जहाँ से ऑयल सप्लाई होती है, 22 मिलियन टन की जो ऑयल है वो हर साल फ्लो होता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एग्जैक्टली, ईरान उसे ब्लॉक भी कर सकता है। कुछ लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ईरान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि ईरान ऐसा कर सके, लेकिन जो फॉर्मर एडमिरल हैं जेम्स टर्विडिस, नाटो फोर्सेस के वो कमांडर रह चुके हैं पहले, उन्होंने इस बारे में वार्न किया है कि नहीं, ईरान ऐसा कर सकता है, और अगर ये ब्लॉकेट कुछ दिन भी चला तो पूरा ऑयल मार्केट डिस्टर्ब्ड हो जाएगा और प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ जाएंगे। किसी कारण से अगर आप ना भी ध्यान दें तो इंडिया को सिर्फ इस कारण से कि कहीं इस तरीके के स्टेप लेने के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ना कर दिया जाए ईरान के द्वारा, केवल इस कारणवश इंडिया को ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बना के रखना चाहिए और ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर हम जियोपॉलिटिक्स के जो लेंस है या पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ देखें तो अगर इंडिया अपने रिलेशंस को ईरान के साथ वीक करता है तो चाइना को एक स्पेस मिल जाएगा, चाइना मिडिल ईस्ट में अपना दबाव बनाने में ईरान को एक अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। चाइना ने तो ये साफ कर दिया है कि यूएसए के किसी भी सैंक्शन को वो नहीं फॉलो करेगा। इवन चाइना ने अपनी कंपनीज को डिस्करेज भी नहीं किया है कि वो ईरान में इन्वेस्टमेंट ना करें, वो तो कह रहा है कि आप लोग इन्वेस्ट करिए। इनफैक्ट उसने ये भी कहा चाइना ने ईरान से कि अगर वो चाबहार का प्रोजेक्ट चाइना को देना चाहेंगे तो वो ईगरली उस पर काम करेंगे। और अगर इंडिया अमेरिका के दबाव में आकर अपने कदम पीछे लेता है तो फिर ईरान क्यों नहीं दे देगा अपना पूरा टेंडर चाबहार प्रोजेक्ट का चाइना को, जबकि चाइना ईरान की उस समय मदद करने को तैयार है जब उसे वास्तव में ज़रूरत है। तो क्या इंडिया इन सारी चीज़ों को झेल पाएगा? इंडिया इस समय बहुत बड़े डिलेम्मा में है। एक तरफ तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक कॉस्ट है, अगर
इंडिया रिलेशंस को ईरान के साथ तोड़ता है, खत्म करता है। दूसरी तरफ अगर ट्रंप को इग्नोर किया जाता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अर्लियर बराक ओबामा इंस्टीट्यूटेड सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, इंडिया रिस्पॉन्डेड बाई स्लोविंग इट्स इम्पोर्ट ऑफ ईरानियन क्रूड। पहले हमने ऐसा किया था कि जब यूएसए ने सैंक्शन लगाया था तो हमने उसे फॉलो किया था, लेकिन तब उन सैंक्शंस को इंटरनेशनल सपोर्ट था और ईरान भी दबाव में था कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी उसके खिलाफ है, इसलिए इंडिया को मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन आज अगर इंडिया ने ऐसा किया तो इंडिया के पास कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा और शायद इस बात की ज़रूरत भी नहीं। इंडिया को हो सकता है ऐसी एडवाइस दे दी जाए कि इंडिया यूएसए के दबाव में आकर ये काम करें, लेकिन ये डिफेंसिबल नहीं है। इंडिया अपने आप को बाद में डिफेंस नहीं कर पाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि ग्लोबल कम्युनिटी ईरान के सपोर्ट में है और सब जानते हैं कि जो ट्रंप का स्टैंड है वो बहुत लॉजिकल नहीं है। फॉर असाइड द फैक्ट, अमेरिका जो अभी ये कर रहा है उसको ना तो कोई लीगल और ना ही कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है। दूसरी बात ये भी तो है, क्या गारंटी है कि जो मिस्टर ट्रंप हैं वो अपने स्टैंड पे बने रहेंगे? उनकी पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप वाली रही है। वो जो बाकी एडवर्सरीज हैं ईरान के, उनको अपीस करने के लिए, उनको खुश करने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल भी डिक्लेयर किया था। फरीद जकारिया, जिन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उन्होंने बताया कि इस समय यूएसए दो लेवल पे अपने इंटरनेशनल पॉलिसी को कंडक्ट कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को लॉन्च कर रहा है। पहला तो वो किसी भी कंट्री को बहुत ज़ोर से चिल्ला के उसकी इंसल्ट करता है या फिर उसे युद्ध की धमकी देता है। दूसरी बार वो उसे यूनिलैटरल कंसेशन ऑफर करते हैं बिना किसी पूर्व शर्त के, और फाइनली वो इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व किया है, वो क्रेडिट ले लेते हैं। एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले उन्होंने खूब धमकियाँ दी, बाद में वो बिना किसी शर्त के किम जो उनसे मिले, और अब वो क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने वो काम कर दिया जो यूएसए में किसी ने नहीं किया था। बिल्कुल वैसा ही हो सकता है वो ईरान के साथ भी कर रहे हों। जैसे उन्होंने ट्वीट किया कि ईरान ने अगर यूएसए को धमकी दी तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत बुरे होंगे, और लास्ट वीक उन्होंने ये कहा कि वो ईरानियन लीडरशिप से बिना किसी प्री कंडीशन के मिलने को तैयार हैं। तो जकारिया पॉइंट आउट ये भी करते हैं, जिन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा था यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कि हो सकता है कि ट्रंप के सपोर्टर और ट्रंप खुद इस बात को मानते हों कि वो जो गेम खेल रहे हैं बहुत स्मार्ट है, इस तरीके से वो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर ले जाते हैं। लेकिन इससे जो यूएसए की इमेज बन रही है वो काफ़ी ख़राब बन रही है। यूएसए की इमेज बन रही है एक फ्लिप फ्लॉपिंग की, कि अपने स्टैंड पे टिकते नहीं हैं, जो उनकी रेपुटेशन है यूएसए की वो ख़राब हो रही है। यूएसए एक अनप्रडिक्टेबल, अनरिलायबल और फंडामेंटली हॉस्टाइल कंट्री बनता जा रहा है ग्लोबल ऑर्डर के लिए। इस स्थिति में इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या इंडिया यूएसए पर ट्रस्ट कर सकता है? आज इंडिया ने यूएसए के दबाव में आकर ईरान के सैंक्शंस को फॉलो कर लिया, कल को यूएसए पीछे हट जाएगा, लेकिन क्या होगा इंडिया और ईरान के रिलेशंस का? इस स्थिति में आर्टिकल का ये मानना है कि इंडिया को बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए और ईरान के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म नहीं करना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट दैट आर्टिकल। ठीक है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी लॉजिकल एनालिसिस किया गया है यहाँ पे। अगला आर्टिकल देखते हैं मानसून ब्रेक, पेपर वन से टॉपिक को जोड़िए, ज्योग्राफी वेदर फेनोमेना वाले सेक्शन से। देखिए, मिड जुलाई के बाद मानसून जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लल हो गया है। ठीक है, रेनफॉल जो था वो कंट्री का वो लगभग 22% कम हुआ, जो LPA होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है। ये LPA के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एक एवरेज निकाला जाता है, अगर उसके कंपैरिजन में 90% से कम बारिश होती है तो हम इसे डेफिशिएंट रेनफॉल बोलते हैं। अगर बारिश 90% से 96% के बीच होती है तो हम उसे बिलो रेनफॉल बोलते हैं, बिलो नॉर्मल रेनफॉल बोलते हैं। अगर बारिश 96 से 104% के बीच में हो, यानी कि 4% कम ज़्यादा, तो उसे नॉर्मल रेनफॉल बोला जाता है। अगर बारिश 104 से 110% के बीच हो तो उसे अबव नॉर्मल बोला जाता है, और अगर बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज से 110% से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे एक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप पैरामीटर समझ लीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने बात की कि जो LPA है, लॉन्ग पीरियड एवरेज है, बारिश अभी कुछ समय में 22% से कम देखने को मिली। वैसे तो देखिए, नॉट ओनली हैज़ क्यूमुलेटिव रेनफॉल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून सीजन फ्रॉम June 1 to August 4, शुरुआती दौर में जब बारिश की शुरुआत हुई है तो बारिश लगातार बढ़ती चली गई है, लेकिन फिर भी जो LPA था उससे 9.2% बारिश कम ही रही। 36 जो मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं उसमें से 15 ने डेफिशियंसी रेनफॉल में रिकॉर्ड की, अप्रॉक्सीमेटली 10% की। लेकिन हमें इससे चिंता नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी देखिए बारिश अच्छी हो रही थी, उसके बाद बारिश कम होनी शुरू हो गई, मानसून ब्रेक की एक सिचुएशन आई। ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, बारिश तेजी से होती है, फिर एक ब्रेक आ जाता है, फिर बारिश होती है। अगर हम इस स्थिति में देखें तो बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अगर आप छोड़ दें तो भारत के लगभग हर हिस्से ने काफ़ी अच्छी बारिश पाई है और खरीफ की फसल अच्छे से ऑपरेशन में आ चुकी है। इवन UP, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इस पूरे स्ट्रेच में जहां 2 हफ्ते पहले सूखे की स्थिति बनी हुई थी, यानी कि बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर अचानक से काफ़ी अच्छी रेनफॉल हुई है और फसलें उगाई गई हैं। तो इस साल हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो मानसून है वो ख़राब नहीं है,
क्योंकि जो 91 मेजर रिजर्वायर्स हैं वहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो पानी की स्थिति है वो 9.6% ज़्यादा है, मतलब बारिश ठीक ठाक हो चुकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर क्या मैटर करता है, हाउ मानसून परफॉर्म्स फ्रॉम हियर ऑन। फसल तो लगा दी गई है, बारिश जो अभी तक हुई है वो ठीक ठाक है, आगे बारिश कैसी होगी वो इस बात को डिपेंड करेगी कि जो फसलें लगाई जा चुकी हैं उनकी स्थिति क्या बनेगी। जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने बोला है कि सेकेंड हाफ में यानी अगस्त सितंबर में जो बारिश होने वाली है वो 96% अप्रॉक्सीमेटली LPA की होगी, मतलब नॉर्मल बारिश होगी, और हो सकता है कि जो बारिश है वो 53% एक्सेस भी हो, नॉर्मल से एक्सेस हो जाए। जबकि जो प्राइवेट फोरकास्टर हैं स्काईमेट, देखिए स्काईमेट ने 2003 में प्राइवेट फोरकास्टिंग शुरू करी थी और ये पहला ऐसा प्राइवेट एंटिटी थी, कंपनी थी जिसने वेदर फोरकास्टिंग स्टार्ट करी थी। उन्होंने ऐसा बोला कि सेकेंड हाफ में जो रेनफॉल है वो कमज़ोर रहेगी बिकॉज एलनिनो इमर्ज हो रहा है। एलनिनो क्या होता है आप लोग हो सकता है जानते भी हो। देखिए सामान्य स्थिति में जो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है वो ठंडा होता है और जो ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन का रीजन होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है। इस वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट तैयार होती है, ठीक है। इस कारण यहाँ से जो एयर का फ्लो होता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन की तरफ होता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन के रीजन में यानी कि इंडिया में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, ठीक है। बट कुछ सालों में एक स्थिति बनती है, कारण क्या है ये तो बहुत क्लियर नहीं है, बट संभवतः एक काउंटर करंट जनरेट होती है जो कि यहाँ पर ये जो पेरू का कोस्ट है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर जो ये नॉर्मली ठंडा रहता है उसको गर्म कर देता है। इसकी वजह से इसके कंपैरिजन में यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट तैयार हो जाती है और एयर का फ्लो इस तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो जो स्काईमेट है उनका ये मानना है कि एलनिनो इवॉल्व हो रहा है, तो हो सकता है बारिश अच्छी ना हो सेकेंड हाफ में, लेकिन जो IMD का रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने 2014-15 में कहा था कि बारिश बिलो नॉर्मल होगी, रही। उन्होंने 16-17 में कहा था बारिश नॉर्मल होगी, हुई। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एलनिनो हो सकता है इतना स्ट्रांग ना हो और स्काईमेट का जो प्रेडिक्शन है वो उतना बेहतर ना हो जितना IMD कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल एंड में अपने आप को कंक्लूड करते हुए ये बोलता है कि गुड मानसून ज़रूरी है कि फार्मर्स या एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, लेकिन पास्ट 2 सालों से जबकि बारिश अच्छी खासी हुई है हमने ये देखा कि हायर फार्म इनकम बारिश अच्छी होने की वजह से नहीं होगी, बिकॉज 2 सालों में बारिश अच्छी हुई है। तो दिक्कत यहाँ प्रोडक्शन की नहीं है, प्रोडक्शन तो हो ही जा रही है जैसे तैसे, दिक्कत प्राइसेस की है, फार्मर्स को प्राइस नहीं मिल रहा है। और अभी अगर बारिश अच्छी होती है तो बम्पर हार्वेस्ट इस साल फिर से होगा, तो सरकार के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि फार्मर्स को किस तरीके से उनका फेयर प्राइस मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल, फ्रॉम प्लेट टू प्लाउ टिमिडिटी एंड टेक्नोलॉजी। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से। आइए देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। देखिए, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफिशियल नाउ देयर इज थ्राइविंग बिजनेस इन द न्यू कॉटन टेक्नोलॉजी, बोलगार्ड 2 विद हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेट। बोलगार्ड 2 एक BT कॉटन की प्रजाति है जिसमें काफ़ी हर्बिसाइड टॉलरेंट ट्रेट्स हैं, मतलब कि जो कीड़े होते हैं वो इस फसल को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाते। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कुछ DNA में बदलाव कर दिया जाता है पार्टिकुलर क्रॉप्स के बीजों में, जिसके बाद जब उन फसलों को उगाया जाता है तो वो हर्बिसाइड्स को टॉलरेट करने की स्थिति में होते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो सरकार के द्वारा अभी तक अप्रूव नहीं की गई है, बोलगार्ड 2 की जो टेक्नोलॉजी है उसे अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, मतलब किसान इस फसल को अभी नहीं उगा सकते। लेकिन फील्ड इंसेप्शन एंड साइंटिफिक इवेल्युएशन कमेटी FISEC, जिसको PMO ने कंस्टिट्यूट किया था इस बात को देखने के लिए कि कहीं अनऑथोराइज्ड BT कॉटन को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि पूरे देश में जो कॉटन उगाया गया है उसका 15% एरिया बोलगार्ड 2 का इस्तेमाल कर चुका है, जो कि अभी भी अनऑथोराइज्ड है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना का जो 5%, इवन जो 5% एरिया पंजाब का है, खरीफ के सीज़न में वहाँ पर भी बोलगार्ड 2 का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि 450 ग्राम के पैकेट के लिए किसानों ने 1000 से 1500 रुपये पे किए हैं, जबकि सरकार ने एक कैप लगा के रखा है 800 रुपये का, मतलब 800 रुपये से ज़्यादा में ये नहीं बिक सकता, अगर बिकेगा तो, अभी तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया है बिकने के लिए। FISEC ने अपनी रिपोर्ट में ये रिवील किया कि ये फसल या ये बीज कहीं बाहर से स्मगल नहीं किए गए हैं, बल्कि MMBL माइको मोसेंटो बायोटेक लिमिटेड ने इसे जो वर्तमान में प्रजातियां हैं उसे ही मैनिपुलेट करके तैयार कर लिया है। और ऑफिशियली उन्होंने ये बता रखा है कि प्रोसीजर अभी ट्रायल में है, बट एक्चुअली में वो इन बीजों को बेच रहे हैं और फार्मर्स इसे खरीद के उगा भी रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि जो फार्मर्स हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने को तैयार हैं, इवन रिस्क लेने को भी तैयार हैं। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि दिखाता है कि किस तरीके से जो कंपनियां हैं वो उस बिजनेस को कंडक्ट कर रही हैं जिसके लिए वो अलाउड नहीं है,
रिस्पॉन्स में कुछ कंपनीज के ऊपर रेड की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बिकॉज इससे जो इंडिया का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। जो चल रहा है वो ठीक है, बट यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है वो ये है कि किसान अपनी स्वेच्छा से इन बीजों को खरीद कर उगा रहे हैं, मतलब वो ईगर हैं। यहाँ पर हमें इस मुद्दे पर रैशनली सोचने की आवश्यकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार, जो अभी वर्तमान की सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से कुछ सीख ले पाएगी? बिकॉज सेम स्थिति बनी थी जब वाजपेयी जी की सरकार 2001 में थी, उस समय बीटी कॉटन को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन किसानों ने एक बहुत बड़े हिस्से में बीटी कॉटन को उगा दिया था। इस बात की जब जानकारी मिली तो नेचुरल ब्यूरोक्रेटिक रिएक्शन क्या होना चाहिए कि उन सभी फसलों को कन्फिस्केट करके आग लगा दी जाए, लेकिन उस समय पॉलिटिकल मैच्योरिटी ज़्यादा थी और वाजपेयी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। एक कहावत कही जाती है, एवरी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी, और वाजपेयी जी ने इसे बिल्कुल वैसे ही लिया। उन्होंने बीटी कॉटन को 2002 में अलाउ कर दिया ताकि इंडिया बायोटेक के फील्ड में एक लीडर की तरह इमर्ज होकर आ सके। वाजपेयी सरकार ने या वाजपेयी जी ने एक नया नारा दिया, शास्त्री जी का जो नारा था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को भी जोड़ दिया गया। इससे क्लियर था कि वाजपेयी जी चाहते थे कि इंडिया एग्रीकल्चर के फील्ड में, बायोटेक के फील्ड में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे ताकि हम हंगर और माल न्यूट्रिशन से लड़ सकें। लेकिन उसके बाद ना तो यूपीए सरकार ने और ना ही वर्तमान की सरकार ने इस बारे में कुछ भी किया, जबकि बीटी ब्रिंजल और मस्टर्ड को GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, सरकार ने उसे अलाउ नहीं किया है। इंडिया के पास जो एक मौका है कि इंडिया GM टेक्नोलॉजी में एक लीडर बन सकता है, अगर सरकारें अपनी कमियों के चलते कदम आगे नहीं उठा पाएंगी तो हम कभी उस सपने को अचीव नहीं कर पाएंगे जो वाजपेयी जी देखा करते थे। बोलगार्ड 1, जिसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था MMBL के द्वारा, मोनसेंटो के द्वारा, ठीक है, इसमें केवल एक सिंगल जीन था, Cry1AC, जो कि इन्फेस्टेशन या जो अमेरिकन बुलवॉर्म था उससे लड़ सकता था। जबकि जो BG2 है, जिसे ऑफिशियली अभी अप्रूवल नहीं मिला है, उसमें दो जीन हैं, Cry1AC और Cry2AB। इसमें प्रोटेक्शन को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। 2006 में इसे तैयार कर लिया गया था, लेकिन 12 सालों के बाद भी BG2 को अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। अभी लास्ट ईयर महाराष्ट्र में पिंक बोलवॉर्म का हमला हुआ बोलगार्ड 1 की प्रजाति पर, कॉटन के काफ़ी नुकसान हुआ महाराष्ट्र में। तो क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है कि अब हमें ना केवल BG2 को अडॉप्ट कर लेना चाहिए बल्कि अपनी रिसर्चेस को BG3 के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, जहां पर तीन जीन्सों, Cry1AC, Cry2AB, VIP3A, उनके पास और ज़्यादा इन्हेंस्ड कैपेबिलिटी होगी पेस्ट से लड़ने की, जिसके जरिए हम फार्मर्स के लेबर कॉस्ट को और मैनेजमेंट को बचा पाएंगे। ब्राज़ील और US इस समय ग्लोबल लीडर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। कंक्लूजन में ये कहा गया है कि क्या वर्तमान की सरकार इस समस्या का समाधान कर पाएगी? क्या वो ग्रीन सिग्नल दे पाएंगे BG3, BT ब्रिंजल और GM मस्टर्ड को? अगर वाजपेयी सरकार के ड्रीम्स को पूरा करना है और हम चाहते हैं कि हम बायोटेक के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बने, तो अब समय आ चुका है कि हमें काम करना होगा और हमें इस फील्ड में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसे अडॉप्ट करने के साथ साथ जो एक्चुअल सप्लायर्स हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी और उनके इनोवेशन के जो राइट्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इंटरव्यू में देखते हैं आज हमारे पास क्या है। इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप हर एज ग्रुप के व्यक्ति से बात करें, अपने छोटों से भी और अपने बड़ों से भी। आपको अलग तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आप कुछ सीखेंगे जिसका इस्तेमाल आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में अपने इंटरव्यू के दौरान भी कर पाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए ये है, पॉवर्टी क्या है? ये एक प्रॉब्लम है या फिर कॉज है? आपको ये बताना है। अपना लॉजिक भी दीजिएगा, सिर्फ ये मत बता दीजिएगा कि प्रॉब्लम है या फिर कॉज है। अच्छे से इसका रिप्लाई करिएगा। इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स।